बलौदाबाजार भाटापारा जिले की लवन पुलिस ने एक क्विंटल गांजा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि लवन में उड़ीसा से गांजा की सप्लाई हो रही है। बलौदाबाजार के एसएसपी दीपक झा के निर्देशन एवं मॉनिटरिंग से बड़े गांजे की खेप सहित दो आरोपियों को पकड़ने में एसपी की स्पेशल टीम और लवन पुलिस चौकी प्रभारी पीके सोम और संजीव राजपूत ने दोनों युवकों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से अवैध रूप से गांजा लेकर बिक्री हेतु लवन से बगबूड़ा की ओर स्थित पटेल ऑटो पार्ट्स दुकान के पास से जा रहे थे, जिसमें बीच में बोरी में गांजा रखा हुआ था, जिसे घेराबंदी कर रोका गया। गांजे के विषय में पूछताछ करने पर इन युवकों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें यह उड़ीसा से दो क्विंटल गांजा मंगाकर घर में रखने की बात स्वीकार कर रहे हैं। वहीं एक थैले में रखा नकदी 4,50,000 रुपए निकाल कर दिया गया, जिसकी विधिवत पहचान कॉल पंचनामा की कार्रवाई कर गांजा और बिक्री की रकम को जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बलौदाबाजार से अमृत साहू की रिपोर्ट। 23/2/22 की घटना है। रात्रि करीबन 11:45 बजे मुंबई से सूचना मिली कि बगबूड़ा रोड तरफ से दो व्यक्ति कुछ गांजा उंजा लेके आ रहे हैं, तो सूचना के आधार पर थाना प्रभारी चौकी प्रभारी लवन और संजीव सिंह राजपूत एएसआई और उसके साथ ही स्टाफ थे पीला राम सूरज बंजारे और राजेंद्र साहू वगैरह, ये सभी वहाँ पर बगबूड़ा रोड पर गए। और जैसे उधर से जो दो व्यक्ति जिसमें एक है शिव कुमार और दूसरा शुभम साहू, ये दोनों आए, उनको रोक के पूछताछ किए, तो एक पान मसाला के उसमें बोरी में और भूरे रंग के कागज में सील बंद के हुआ 20 किलो करीब गांजा उनके पास था। तो उसके बाद और पूछताछ करने पर उसने बताया कि 20 तारीख को, आज से मतलब 20 तारीख को 20/2/22 को कि लगभग 2 क्विंटल गांजा लवन में शुभम साहू के घर में डंप हुआ है। और वो गांजा शुभम साहू के यहाँ डंप इसलिए हुआ था क्योंकि क्योंकि उस दिन शिव कुमार साहू घर में नहीं था, उसने शुभम के यहाँ उसको डंप करवा दिया था 2 क्विंटल गांजा को। 2 क्विंटल गांजा में से 1 क्विंटल गांजा को सप्लाई करती इधर उधर और 1 क्विंटल गांजा बचा हुआ था वहाँ पे, 80 किलोग्राम गांजा। और इस प्रकार उसकी मेमोरेंडम का था, उसके बताने अनुसार वहाँ जाके रेड किए, रेड करने पर नकदी रकम 4.5 लाख रुपए और 80 kg गांजा और एक बटन वाली चाकू तथा मोबाइल, 2 मोबाइल इनके पास से जब्त किया गया। और उसके बाद वो पुलिस जब्त करने के बाद जो कार्रवाई की है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है, संपूर्ण कार्रवाई में अपने जिला पुलिस बलौदाबाजार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक झा महोदय के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की गई है और आज मुजरिमों को रिट डिमांड पर भेजा जा रहा है। कुल टोटल मसरूका है 12,07,500 रुपये का। सर कितने आरोपी संलिप्त हैं, क्या क्या नाम है उनके? इसमें 2 आरोपी संलिप्त है जिसमें शिव कुमार साहू है और शुभम साहू है। इसके अतिरिक्त और कुछ चीजें जिसको पुलिस गोपनीय रखी है, ओपन नहीं किए हैं,